हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सी डैक सी कैट का जो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ कर दिया गया है, जो आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि कहाँ से जाकर के चेक करनी होती है, कैसे चेक करनी होती है, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगी। तो अभी आपको सर्च करनी होगी अपने ब्राउज़र में, जब अभी सर्च कर लेते तो ये फर्स्ट वाले लिंक पर ही क्लिक कर देनी होगी, जहाँ पर आप देख सकते हैं सी डैक सी कैट का जो 2022 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो चुकी है, ऑल्सो नोन एज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सबसे पहले फॉर्म फिलअप करना है, जिसमें अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, स्टेट, सिटी, इंटरेस्ट रेट, कोर्स, हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस, ये सारी चीज़ें टाइप करके सर्च करनी होती है। तो जब आप सर्च कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि जो सी कैट का जो उसके रिलेटेड आपको नोटिफिकेशंस, आपके ईमेल आईडी, आपके कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आपको नोटिफिकेशंस, आपको अपडेट्स सबसे पहले मिलते रहेंगे। ठीक है, अभी जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करनी है आपको, उसकी डिटेल्स के लिए पहले इस लिंक पे क्लिक करनी है। जब आप इस लिंक पे क्लिक कर लेते हैं आप न्यू टैब में ओपन हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद स्क्रॉल डाउन करने हैं और यहाँ पर क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करनी होगी। जब भी आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये देख सकते हैं इंपॉर्टेंट मैसेज, आपको इसे जरूर पढ़ ली होगी और क्लोज़ करनी है। पढ़ने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशंस, किस सोर्स की वजह से आपने या यहाँ पे रजिस्टर करने आए हैं, तो यहाँ पर रजिस्टर क्यों कर रहे हैं, न्यूज़पेपर मैगजीन के थ्रू आपको ये सोर्स मिला कि वेबसाइट या फिर सोशल पोर्टल या फिर फ्रेंड या फिर कॉलेज कैंपस के थ्रू, कैसे आपको पता चला और यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, किस वजह से, किसने इंफॉर्मेशन दिया इसका। तो ये बताने के बाद आपको पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड करना और नेक्स्ट जो है रजिस्टर पर क्लिक कर देना होगा। यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, तो आप देख सकते हैं क्लिक हियर टू फेल, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे और पासवर्ड क्या है, पासवर्ड आपका जो भी होगा पासवर्ड यहाँ पे आप टाइप कर लेंगे और लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म, प्रोफाइल फ़ोटो, पेमेंट, फिर आपको प्रेफरेंस, बस एग्ज़ाम सिटी प्रेफरेंस बस सेलेक्ट करनी होती है। तो आपको पहला जो है अप्लाई पे क्लिक करना और यहाँ पे सारी डिटेल्स फिलअप करनी है, नाम, फॉर्म नंबर, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है, मंथ कौन सा है, ईयर कौन सा है, ईमेल आईडी, जेंडर मेल फीमेल, डॉक्यूमेंट्स, कैटेगरीज, आपकी नेशनलिटी क्या है, स्टेट्स बताएंगे कौन से स्टेट्स हैं। अब नेक्स्ट वन इज़ करेस्पॉन्डेंस एड्रेस और सिटी, उसके बाद यहाँ पे पिन नंबर, क्वालिफाइंग डिग्री डिटेल्स, डिग्री नेम, यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ पासिंग कौन से ईयर में आपने पास किया वो बतानी होगी, परसेंटेज बतानी होगी। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी सेक्शंस जो है PGDI सेक्शंस ए आपको सेलेक्ट करनी होगी, जो भी आपके सेक्शंस हैं यहाँ पर। सेलेक्ट करने के बाद आपको टोटल फीस आपको यहाँ पर बता दिया गया है कि 1350, आई डिक्लेयर्ड एंड सबमिट। तो देख सकते हैं मेरा यहाँ पे फर्स्ट जो स्टेप था वो कंप्लीट हो चुका है अप्लाई वाला। अब मैं इसे देखना चाहूँगा और प्रिंट करना चाहूँगा तो ईजिली यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सेकेंड स्टेप पे, अपलोड, जिसमें मुझे क्या करना होगा, अपलोड कुछ तो अपलोड करना है, क्या अपलोड करना है, मेरा फ़ोटो चाहिए। अच्छा, तो मुझे यहाँ पर मेरा फ़ोटो का साइज़, फ़ोटो साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए, जो पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ्स मेरा होना चाहिए, और ओनली JPG फॉर्मेट, JPEG फॉर्मेट सिर्फ यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और कोई फॉर्मेट नहीं चलेगा। फ़ोटो शुड बी 250x270 पिक्सल होना चाहिए और 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको फाइल, चूज़ फाइल पे क्लिक करना, फ़ोटो यहाँ पर अपलोड पे क्लिक कर देना, उसके बाद फाइल सेलेक्ट करके चूज़ करना और यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करके नेक्स्ट, तो इसे अपलोड कर दूँगा। मेन्यू में मैंने क्लिक कर दिया, मेन्यू में क्लिक करने के बाद पेमेंट पे आ जाते हैं यहाँ पे, जहाँ पे मुझे पेमेंट करना है, उसके बाद प्रेफरेंस सिटी सेलेक्ट करनी होती है, अमाउंट यहाँ पर देख सकते हैं और इसे क्या करना होता है, टर्म एंड कंडीशन भी यहाँ पर आपको माननी पड़ेगी और पे एक्सिस बैंक, रिटेलर, जो भी आप जैसा भी आप चाहते हैं यहाँ से इसलिए कर सकते हैं, कंफर्म पेमेंट एक्सिस बैंक, जो भी बैंक रहेगा आप अपना करना होगा, जो मैं कर रहा हूँ वही नहीं जरूरी है, तो आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, आपको अगर किसी भी चीज़ में डाउट होता है आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं।
इसके बाद आपको लास्ट प्रोसेस सिटी एग्ज़ाम, सिटी प्रेफरेंस जो भी है, एग्ज़ाम चॉइस करनी है आपको, कौन से सिटी में आपको एग्ज़ाम देनी है वो। और इसके बाद वाले प्रोसेस में जो चौथा स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने अप्लीकेशन किया, सेकंड में अपलोड फ़ोटो, थर्ड में पेमेंट, और फोर्थ वाला जो बाकी है एग्ज़ाम सिटी प्रेफरेंस चूज़ करनी होगी। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेज का मैंने लिंक दिया हुआ है, आपको क्लिक करना है, इस पेज पर आना और ये सारी प्रोसेस आपको कंप्लीट करनी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।